प्रधानमंत्री मोदी देश के हर गरीब को घर देने के लिए दिन रात प्रयासरत है और 2022 तक समस्त देशवासियों को पक्का मकान देने का सपना देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर योगी सरकार के अधिकारी लोगों का आशियाना छीनकर प्रधानमंत्री की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे देखकर यूपी के बेलगाम प्रशासनिक हुक्मरानों की तानाशाही की तस्वीर साफ हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पनवाड़ी विकास खंड के स्योडी गांव की, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के इशारों पर कर्मचारियों ने वो करवा दिया जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तस्वीर जिला प्रशासन में मची अधेड़ गंदी और भ्रष्टाचार की हकीकत बयां कर रही है। इन गरीबों ने कैसे एक एक पैसा जोड़कर घर बनाया होगा जिसे पल भर में जमी दोज कर दिया गया। मासूम बच्चों के पेट की आग बुझाने वाला ये चूल्हा अब ऐसे ही पड़ा है। दरअसल ये मकान बाल खनियान की जमीनों पर बने हैं और ये परिवार पिछले 50 वर्षों से यहीं रह रहे हैं। कच्चे मकान बारिश में गिर गए तो कैसे भी करके पक्की दीवारें बनाकर और टीन सेट लगाकर रह रहे हैं। इन गरीबों का रहना भी प्रशासनिक जिम्मेवारों को नागवार गुजरा। करीब आधा दर्जन परिवारों को नोटिस थमा दिए गए और आनन फानन में 3 घरों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल ने इन सभी से 20,000 रुपए की मांग की थी। जिन्होंने पैसे दे दिए उनके घर बच गए और जिन्होंने नहीं दिए उनके घर गिरवा दिए गए। ये हो गया कि साहब जी, लड़का बच्चा सब जने बाहर कट गए। अभी जनन की दिनन की जमीन मकान हो गए थे, साहब भी गिर गिर हो गए, तो अब वो कोल्डन पर गए। सो कई भैया बना लो, तो बना लो, सो आपने जो लो सो जो गिरवा दो। कौन आया था गिराने? लेखपाल। अच्छा। लेखपाल आए थे गिरा। कितने दिन से आप यहाँ रह रही थी? हम तो रहते बहुत दिन से, फिर जी आप बाहर भाग भाग गए, सो अब डुकरा हाथों सो हाथों ना सो गिर गिर गए, अब जी आ गए थे। सो कही के साहब बना लो भैया हरो जो मकान बना लो, अब कहा गिर मिल रहा है तो घर गिर गया। आप कहाँ रह रही हैं? आप रह रहे थे मरजिया बनी थी गाँव में। हो, मेरा नाम भैया लाल। अच्छा, क्या हो गया है? सर ये हो गया है कि पुरानी जमीन थी 50 साल पुरानी, और इसमें टूटे मकान बने थे, मान के चलो बरसात के होने के कारण वो गिर गए। अब हम बाहर से आए, हमने कि चलो निर्माण करवा लें हैं, हमने बनवाया। एक दिन आया वो लेखपाल और उसने एक छोया अपने हाथ से फर्जी नोटिस बना के चिपका दिया और 20,000 रुपए की मांग कर रहा था कि हमें 20,000 रुपए दे दो तो कुछ नहीं होगा और नहीं तो तोड़वा देंगे हैं। तीसरे दिन आया वो हमारा मकान तोड़वा दिया। अब बताओ हम कहाँ रह गए हैं? कितने लोगों को नोटिस दिया था यहाँ पर? 5 लोगों को दिया था नोटिस। तो पांचों के घर गिरा? नहीं, 3 लोगों के नोटिस मकान गिराए दिए। क्यों? वो लोग और ले लोगों ने पैसे दे दिए थे। ये सर ग्राम सेवड़ी है और हम हमारे पिताजी इसमें करीब लगभग 45-50 साल से रह रहे, जो कच्चे मकान बने हुए थे तो गिर गए 2-4 साल पहले। हम लोग अपने परिवार के खातिर दिल्ली कलकत्ता मजदूरी करते रहे। इसके बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ी थोड़ी करके अपना दो दो पैसे बच्चों से बचा बचा करके पेट काट काट करके अपना बना लेंगे। तो हमने ये बाउंड्री बनाई पिछली साल, इस साल एक कमरा बना के आज करीब 7-8 महीने 10 महीने हो गए इसमें रहने लग गए। एक दिन लेखपाल साहब आए यहाँ पर शाम को 7 बजे और एक नोटिस लगा गए। नोटिस लगाने के बावजूद शाम के इसके बाद उन्होंने ये नहीं बताया कि हम इसको तोड़ देंगे या ना तोड़ेंगे। 20-20 हज़ार रुपये की मांग करी, जो कुछ लोग 4-5 लोगों में लगाया था ये नोटिस, उनमें से 2-3 लोगों ने तो उनको पैसे दे दिए तो उनका बच गया। हम लोग गरीब आदमी नहीं दे पाए 20-20 हज़ार रुपये, तो हम लोगों का सर तोड़ दिया और उल्टी धमकी के साले अगर नहीं ये खाली करोगे ना तो तुमको फिर या तो थाने ले जाएंगे या बंद करो। कहाँ रह रहे हैं आपके बच्चे और आप? बच्चे सर इसी में अभी रह रहे, पुराने बकरी में है, वो लड़का बहू है वो उसमें छोड़ दिए साहब। अब आप जानते ही हैं कि बहू आ जाती जिसकी, तो वो साल या 6 महीने रहती है, इसके बाद अपना अलग चूल्हा रखते हैं। ठीक। अखंड भारत न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट महोबा।